पैनासोनिक का वॉशिंग मशीन जो एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन है। हम लोग जानेंगे कि वाईफाई कैसे सेटअप करते हैं, वाईफाई से अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करके वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, ये हम आज बताएंगे। सबसे पहले आप पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे एक पावर बटन होगा मशीन में, ये पावर आप दबाइएगा। यहाँ पे पावर दबाने के बाद मशीन में पावर आ जाएगा और आपका यहाँ पर डिस्प्ले पर लाइट जलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम ये स्टार्ट वाला जो बटन है इसको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये वाईफाई इनेबल्ड, प्रेस फॉर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड तक जब हम ये दबा के रखेंगे तो अब यहाँ पे आपका डिस्प्ले में दिखेगा कि सेटअप मोड ऑन हो जाएगा। ये देखिए अब सेटअप मोड जो है ये ऑन हो चुका है और हमारा जो वाईफाई का जो सिग्नल है, वाईफाई का जो लोगो है, यहाँ पे आपका शो कर रहा है। अब क्या है, प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर खोलिएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा मिराई एप्लीकेशन। ये मिराई एप्लीकेशन आपको मिलेगा जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा है और आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह का सामने दिख जाएगा इसका पेज पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा होगा, ये प्लस का निशान आप दबाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे, एसी दिखेंगे, कैसेट एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एंकर फैन है, फैन स्पीड कंट्रोल है, वाटर हीटर है। तो जो भी आपका स्मार्ट डिवाइस आप घर पे लगा के रखें उसको आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी मेरे पास वॉशिंग मशीन है, पैनासोनिक का स्मार्ट वॉशिंग मशीन, तो मैं वॉशिंग मशीन पर भी क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा ऐड डिवाइस में। ऐड डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड करना है फ्रंट लोड है या फिर टॉप लोड है। तो अभी ये जो मेरा मशीन आप देख रहे हैं ये मेरा टॉप लोड मशीन है, पैनासोनिक की है, तो मैं यहाँ पे टॉप लोड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। टॉप लोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाऊँगा। अब कंटिन्यू बटन दबाने के बाद ये लुकिंग फॉर नियर बाय पैनासोनिक डिवाइसेस, तो ये सर्च कर लिया है मेरा वॉशिंग मशीन, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको टच कर लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट में जाऊँगा तो सबसे पहले आप यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा आपके घर में एक हॉटस्पॉट डिवाइस होना चाहिए जो कि एक ही नेटवर्क में दोनों कनेक्ट होना चाहिए, या तो फिर अपने हॉटस्पॉट अपने मोबाइल से भी आप देखे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो है वाईफाई का जो राउटर जो है उसे मेरा कनेक्टेड है और मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। गो सेटिंग्स में जाऊँगा। गो सेटिंग में जाने के बाद ये मेरा अभी देखिएगा ये वाईफाई कनेक्टेड है कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इसमें नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों अब जो ये डिवाइस है हमारा ये सर्च कर रहा है कनेक्टिंग के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कनेक्टिंग टू योर डिवाइसेस, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों कनेक्ट होने में थोड़ा सा। दोस्तों मेरा ये जो डिवाइस है ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ तो अब जो मेरा ये वॉशिंग मशीन है ये कनेक्ट हो गया है और ये जो ब्लिंक कर रहा था वाईफाई ये आपका रुक गया है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ग्रीन सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको देखिए अभी ऑन करता हूँ। अब आपका यहाँ पे ये सारा कंट्रोल आप अपने मोबाइल के ऐप से कर सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा अभी मैं ये पावर बटन है, ये देखिए मेरा मशीन है अभी ऑफ हो गया है और फिर मैं इसको फिर से दोबारा मैं दबाता हूँ, ये देखिए फिर से मेरा मशीन जो है ऑन हो गया है। और अभी आपको इसमें अगर वॉश करना हो या फिर कपड़ा सुखाना हो या फिर जो भी आपको करना हो आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट बटन है दोस्तों, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर देखिए अभी बेडशीट पर वॉश कर लेता हूँ और उसको स्टार्ट वॉश पर करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है आपका चाइल्ड लॉक एंड नाइट वॉश। अगर दोस्तों अगर आप रात में अगर कपड़ा धोना चाहते हैं तो नाइट वॉश को आप इसको ऑन कर दीजिएगा। देखिए अभी जैसे ये ऑफ हो गया है ये अभी ऑन हो गया, तो इससे क्या होता है ना कि आपका नॉइज़ लेवल जो होता है एकदम कम हो जाता है ताकि आप सोते हुए डिस्टर्ब ना हो। अभी देखिए दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ स्टार्ट वॉश। अभी देखिए दोस्तों हमारा जो ये मशीन है ये ऑन हो चुका है और 64 मिनट देखिए यहाँ पर टाइम जो है 64 मिनट का आपको दिखेगा और अभी इसमें देखिए प्रोसेस आपका ऑन हो चुका है वॉश का, उसके बाद आपको रिंस का आएगा, उसके बाद आपको स्पिन का आएगा दोस्तों जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इसका जो टाइमिंग है आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 63 मिनट, इसका मतलब होता है 1 आवर 3 मिनट्स। अगर आप इसको बीच में पॉज करना चाहते हैं या फिर स्टॉप करना चाहते हैं या फिर आप चेंज करना चाहते हैं प्रोग्राम को तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर स्टॉप हो गया और यहाँ पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा वॉशिंग मशीन एज हैज बीन स्टॉप, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं बैक कर लूँगा, ये बैक करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और ख़ुद का अपना प्रोग्राम भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम्स, आप इसमें जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आपका दिया हुआ दोस्तों वॉश रिंस एंड स्पिन, अगर आपको स्पिन करना है दोस्तों देखिए यहाँ सेट स्पिन मिनट्स, मतलब कितना मिनट्स आपको स्पिन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मुझे आपका सेट वॉश टाइम, वॉश टाइम 0 कर देता हूँ, नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद मुझे वॉश टाइम जो होता है नॉट कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद क्रिएट प्रोग्राम कर देता हूँ, ये क्रिएट प्रोग्राम। अब मैं इसमें नाम डाल दूँगा स्पिन ऑन, सिर्फ मुझे कपड़ा सुखाना है, मैंने लिख दिया है स्पिन ओनली। और यहाँ पे सेव एज न्यू, ये सेव हो गया दोस्तों, देख लीजिए प्रोग्राम सेव्ड। प्रोग्राम सेव्ड होने के बाद आप जो है बैक आ जाइए, बैक आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे
स्पिन ओनली आपको दिखेगा। अगर आपको उसको फेवरेट करना है तो फेवरेट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये फेवरेट भी हो जाएगा। और अभी मैं देखिए यहाँ पे स्पिन ओनली करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो अभी मेरा जो वॉशिंग मशीन है देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 11 मिनट का टाइमिंग है, ये मेरा स्पिन मशीन ऑन हो गया है। मतलब इसका मतलब कपड़ा आपका मशीन में अगर धोना नहीं है, खंगाला नहीं है, सिर्फ सुखाना है तो आप इसके जरिए आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मशीन है हमारा स्टार्ट हो गया है और फुल्ली कंट्रोल आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, या फिर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपका मशीन चल रहा है नहीं चल रहा है ये सारा आपके मोबाइल में मिल जाएगा। अभी क्या है, अगर बीच में लाइट चला जाता है तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ही आएगा कि आपका जो है पावर कट हो गया है।